लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि हृदय में इच्छा हुई तो कहते क्यों नहीं हो, का किन से, भगवान से। लक्ष्मण जी बोले तो जिस हृदय में इच्छा हुई है क्या उस हृदय में भगवान नहीं है। प्रियम को पतियां लिखूं जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। कहना पड़ेगा। एक भक्त किसी संत से बोले हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं पर भगवान सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो कहा संत ने कि तू सुनाते क्यों हो, सुनाना तो पड़ता ही है। महात्मा बोले अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। अरे जो हो रहा मन में होने दो, उसी मन में वो भी है। सो तुम जानो हुआ अंतर्यामी। लक्ष्मण जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और भगवान समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता ही ये हुलसानी। भगवान भक्त वत्सल हो गए, भगत वछलता ही ये हुलसानी। अब लक्ष्मण जी तो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, पर राम जी जान गए और राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हे प्रभु। विश्वामित्र जी ने कहा कहो राम भद्र क्या बात है। कहा लखनपुर देखन चाहें, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। अब गुरुदेव मुस्कुराए कि यह बड़ी विलक्षण घटना है। क्या का जिसे देखना है वो कह नहीं रहा है और जो कह रहा है उसे देखना नहीं है। नाथ लखनपुर देखन चाहें, लक्ष्मण जी नगर देखें, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहें, तो गुरुजी भी मनी मन बोले कि देखन चाहें तो काय न काहीं, देखना है तो कहते क्यों नहीं। महाराज ऐसा है प्रभु प्रभाव डर सकुचत आहे, आपके प्रभाव से संगत। अच्छा यह अद्भुत बात, राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण संकोच कर रहे हैं। अच्छा बोलो संकोची कौन है, लक्ष्मण जी के राम जी? संकोची तो राम जी है। अच्छा जो परम संकोची हैं वे बोल रहे हैं, और जिन्होंने बोल बोल कर बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी वो संकोच कर रहे हैं। किसी ने कहा कि राम जी संकोची होकर भी आज इतने मुखर कैसे हो गए। भक्त के मन से भगवान का मन एक है। भगवान आज लक्ष्मण होकर बोले और यही कहा कि गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते और आपके संकोच से कह नहीं रहे। गुरु जी बोले ठीक है। महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे हैं, उनमें से चार को बुला लेते हैं और कहेंगे कि जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा ला। राम जी बोले गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा लें। जो राउर आयस हो पावो नगर दिखा, हम नगर दिखा लाए। गुरु जी बोले राम जी एक बात बताओ, क्या इससे पहले कभी जनक आए हो? नहीं आए। पहले कभी जनकपुर देखा ना? तो कहा जब तुम्हें नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? नहीं महाराज दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक, नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही। और गुरु जी बोले देखना है लक्ष्मण जी को, फिर आप क्यों जा रहे हैं? राम जी बोले गुरु जी हम तीसरा काम करेंगे,
कौन सा? कहा कि नगर दिखाएंगे सेवक और नगर देखेंगे लक्ष्मण जी और हम रहेंगे, तो तीसरा काम करेंगे। नगर दिखाई, पता नहीं सेवक कब तक नगर दिखाए और कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहे। अगर हम संग रहेंगे तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, हम जल्दी लौटा लाएंगे। हम रहेंगे ना तो जल्दी लौटा लाएंगे, इसलिए हमें चले जाने दीजिए। गुरु जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आंसू भराए, कहने लगे राम हम समझ गए क्या भक्त वत्सल हो ना, इसलिए लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए जाने की बात है। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कह दारू जहां चले भक्त जन संत जन तहां तहां जाए गमैया। भगत बछलता ही होल साए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। यह भक्ति का भाव है, भगवान की करुणा का भाव है, छोह का वात्सल्य का भाव है। और व्यवहारिक दृष्टि से तुरंत ले आओ, क्योंकि व्यवहार में सावधानी चाहिए। और भाव की दृष्टि से लक्ष्मण को देखते रहे, भक्त वत्सल है। अच्छा, अज्ञान की दृष्टि से भी इसका अर्थ लगावे, बड़ा अच्छा अर्थ है। विश्वामित्र जी बोले राम तुम तो जा रहे हो, क्यों जा रहे हो राम जी आप नगर देखने? गुरु जी आप आज्ञा दे दे जाऊं, जरूर जाओगे। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से एक है नगर दिखाने वाले सेवकगण, दूसरा है नगर देखने वाला। तो नगर दिखाएंगे सेवक, तो सेवक कौन? अच्छा, हम लोग जब भी जगत के बाजार में आते हैं तो सेवक ही तो नगर दिखाते हैं। चाहे भाव राज्य ही किसी दिव्य तीर्थ में ही हो, सेवक कौन है? कहिए नेत्र रूप नगर दिखाते हैं, श्रवण शब्द संसार से परिचय करा रहे हैं, नासिका गंध के संसार में ले जाती है, लसना स्वाद के, त्वचा स्पर्श के, ये बाजार घुमाने वाले ये सेवक ही यही तो दिखाते हैं। तो अब ये सेवक नगर दिखाते हैं और इन सेवकों के द्वारा नगर को देखता कौन है? लक्ष्मण। भगवान की कथा से इतना ही ले लें कि सेवक इंद्रियां ये नगर दिखाते हैं, देखता कौन है? मन। मन दिखना चाहता है, सेवक दिखाएंगे तो दिखाएंगे सेवक, देखेगा मन। तो फिर राम जी कौन है? कहा कि बस जो दिखने वाले को देखे वह मन है और जो देखने वाले को देखे वही भगवान है। इसलिए विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। एक है दिखने वाला यह जगत, एक है देखने वाला यह जीव, एक है देखने वाले को देखने वाला वही ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमानंद रूपा। इसलिए गुरु जी कहते हैं जरूर जाओ। और तीसरी बात गुरु जी ने और अद्भुत कही कि मैं तो तुम दोनों को ही भेजूंगा। क्यों? क्योंकि नगर तो मुझे देखना है, तुम्हारा तो आना है। और कोई भी जब नगर को देखता है तो अपनी दोनों आंखों से ही देखता है, तुम ही दोनों तो मेरी दोनों आंखें हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी जाओ। लेकिन एक काम करना, क्या? देखना ही नहीं दिखाना, देखना ही नहीं दिखाना भी। अच्छा दिखाएं क्या? का नगर तो देखना पर कुछ दिखाना भी, क्या करें? का इन ज्ञानियों के नेत्र सफल कर देना। एक तो ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं होते क्या? सफल नहीं हुए क्या आज तक? जनकपुर वाले इतने बड़े ज्ञान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके निश्चय में यह है कि वो कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मन इंद्रियों का जो विषय है वो सब सो सब माया जान उभार।
वैसे मिथ्या है, मिथ्या है। पारमार्थिक सत्ता उसकी नहीं है, प्रातभाषिक सत्ता है, मृगजल है, मिथ्या है। तो क्या ये नेत्र मिथ्या को देखने के लिए ही मिले? और अगर नेत्र से मिथ्या ही देखा गया तो नेत्र सफल कहां हुए? तो विश्वामित्र जी बोले, राम जब तुम जाओगे ना और तुम्हारा मुखार बिंदी ये जनकपुरवासी देखेंगे तो आज इनका भ्रम टूटेगा। कौन सा? आज यह समझ लेंगे कि नेत्रों से जो दिखाई देता वो केवल मिथ्या ही नहीं है। फिर अरे सत्य को देखा जाए, इतना ही नहीं स्वयं सच्चिदानंद को देखा जा सकता है। और जब तुम्हें देखेंगे तो इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। अपना सुंदर मुख चंद्र दिखाकर सबके नेत्र सफल। करहु सुफल सबके नयन, मुझे भी कभी लगता है अज्ञानी का भ्रम ज्ञानी महात्मा तोड़ते, अज्ञानी का भ्रम महात्मा तोड़ते, और ज्ञानी को भ्रम हो जाए ज्ञान होने के बाद सब मिथ्या है, इस भ्रम को परमात्मा तोड़ते हैं। अवतार लेकर दर्शन लेकर इनमें भगवान भी स्वयं सच्चिदानंद भगवान है। करो सफल सबके नयन, सुंदर बदर दिखाए। देखन नगर भूप सुर आए, देखन नगर भूप समाचार मिथिला पति पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम का सब त्यागी, आधाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी।